अब देखना इसका फ्लावटी कहाँ से है, ठीक है? पूरा 86 स्वागत है साथियों। आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता ही है इंडियन आर्मी की एग्जाम लगभग खत्म हो चुके हैं, 3 मई तक लास्ट डेट है। तो साथियों इससे पहले फिजिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मैं कहना चाहूंगा आज का जो वीडियो है चेस्ट के ऊपर वीडियो होगा। काफी सारे बच्चे ऐसे होगा रिटर्न में बहुत टैलेंट होता है, रनिंग में टैलेंट होता है बहुत अच्छा, लेकिन उनका चेस्ट कम है, चेस्ट के बारे में पता ही नहीं है कौन सी एक्सरसाइज करना है। तो साथियों आज मैं बताऊंगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम है तो उसको किस तरफ से आपको क्वालिफाई करनी है इस वीडियो में देखें। सबसे पहले मैं किसी एक स्टूडेंट को बुला लेता हूँ, आप आ जाओ। साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा आपको किस तरफ से चेस्ट को फुलाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो अभी इनका नॉर्मल मैं चेस्ट चेकअप करूंगा। यहाँ से आप देख सकते हो इस बच्चे का अभी इनका है 81, ठीक है? अब थोड़ा अभी और है 80। अभी इन ये जो चेस्ट है इनका इससे और बढ़ाना है। तो आप देख रहे हो आपका रनिंग हो गया, अभी चेस्ट बाकी है। आपको पता है इंडियन आर्मी में 77 नॉर्मल और फुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अभी जैसे रनिंग हो जाते चेस्ट की जैसे नंबर आता है एक के बाद आता है नहीं आता yes, sir. जैसे रनिंग क्वालिटी में आप लोग कर लेते उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट होता है। उस टाइम आपको क्या करनी है पुशअप की पोजीशन तैयार, आपको क्या वाइड पुशअप्स लगाने। अभी इनका देखना अभी कैसे चेस्ट बढ़ता है। हाँ कंटिन्यू 10 देखो तालियां। अभी नॉर्मल पुशअप्स आपको इस तरफ से माननी है कंटिन्यू पूरा जाने दो ताली एक बार। अभी होगा डायमंड पुशअप्स, हाँ डाउन कंटिन्यू। आप देख सकते हो जितना आप चेस्ट वो करोगे इतना क्या होगा खुला आएगा, बीच में गड्ढा नजर आएगा। कंटिन्यू ताली एक बार स्टॉप। साथियों आप देख सकते हो चेस्ट का फुलाव पहले का और आपका अभी का बहुत फर्क है। अभी मैं नॉर्मल मापता हूँ, सब ट्रिक समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है yes, sir. ट्रिक ही पता नहीं है कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हो उस टाइम था 81 अभी हो गया 84, उस टाइम फुला के 84 था। कैसे आप देख सकते हो, आप देखना इसका फुलावटी कहाँ से है। चलो पूरा सांस को बाहर निकालना है, ठीक है? पूरा 86 एक बार तालियां। साथियों ट्रिक पता होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर नॉलेज नहीं है तो कोई मतलब। तो साथियों आप लोगों ने देख लिया वीडियो में किस तरफ से आपको तैयारी करनी है। रैली में जब जाते हो जब चेस्ट मेजरमेंट आता है भारी उस टाइम आपको वाइट पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स 3 पुशअप लगा के चाहिए। आपका चेस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर 110% मैं गारंटी देता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका चेस्ट बढ़ेगा, आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ इस बात। आज का वीडियो बनाने का मतलब ऐसे गांव देहात का बंदे होगा जो पता ही नहीं होता चेस्ट मेजरमेंट किस तरफ से किया जाता है, चेस्ट फुलावट 1-2 सेंटीमीटर के लिए फेल हो जाता है, दिल टूट जाता है। सपना रहता है भारतीय सेना का हिस्सा बनने का लेकिन नहीं बन पा रहे, लेकिन मेरी वीडियो के माध्यम से आप देख के सीख सकते हो। जो एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हो, जो नहीं कर सकते मेरी वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प हो जाएगा। और साथियों वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बन सकते है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।